If the roots of the equation x square minus 5x plus 16 is equal to 0 are alpha and beta, then the roots of the equation x square plus 3x plus q is equal to 0 r. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ से तो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पता चलेगी. अगर x square minus 5x plus 16 is equal to 0, इसके दो रूट्स क्या है, अल्फा और दूसरा रूट क्या है, बीटा. तो एक रूट हो गया हमारा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा. तो सबसे पहले अगर हम सम ऑफ रूट्स देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए. बी क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माइनस फाइव अपॉन ए. ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई इक्वल टू 5. नाउ सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आएगा 16 अपॉन 1 व्हिच इज इक्वल टू 16. नाउ अब हमें गिवन एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और हमें गिवन है इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, एक रूट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बाय 2. तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 16, तो 16 बाय 2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8. तो मीन्स एक रूट तो 8 है. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी नो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा. नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा विच इज 32. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसके इक्वल, माइनस ऑफ 7 के इक्वल. तो अब अगेन अगर हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स, तो यहां से अगर हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ पी बाय 1 के इक्वल, और वो वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस माइनस 7 कितना हो जाएगा 1 के इक्वल. तो यहां से पी की वैल्यू आ गई पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा टाइप्स का, ये हो जाएगा किसके इक्वल, q के इक्वल, और वो क्या हो जाएगा 8 इंटू माइनस 7 इज माइनस 56. तो वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई माइनस 1 और q आ गया माइनस 56. तो p इज इक्वल टू माइनस 1 एंड q इज इक्वल टू माइनस 56. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.